चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में आज हीरिंग थी नीट 24 के जो केसेस चल रहे हैं अभी उसके बारे में। तो मैं आपको यहां बताता हूं कि यहां सुप्रीम कोर्ट में दो केस लगे हुए हैं, दो मैटर के रिगार्डिंग केस लगे हुए हैं। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस जो ये नोटिस है या सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है उसको देख के अभी डर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल फैसला दे दिया है। ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस लगे हुए हैं। एक केस रिजल्ट से पहले लगा हुआ था जिसमें ये था कि जो एग्जाम लगी है उसमें पेपर लीक हुआ है, इसलिए री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन जो 4 जून को रिजल्ट आया था उसके बाद में रिजल्ट में हुई गड़बड़ियों के कारण अब सुप्रीम कोर्ट में जो कल केस लगा था उसकी हियरिंग अभी हुई नहीं है। उसकी हियरिंग का भी इसमें हवाला मैं आपको दे देता हूं, हालांकि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो पहले का मैटर है उसको इसमें मेंशन करना चाहिए, इसमें मेंशन करना चाहिए, और ये मैटर मेंशन करने के बाद में रजिस्ट्री के थ्रू सीजीआई जो चीफ जस्टिस हैं उनके थ्रू ये लिस्टेड मामला होना चाहिए, मतलब कि उनके पास में ये जाना चाहिए मैटर और उसके बाद में लिस्ट होना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट के रिगार्डिंग जो पिटीशन है उसकी सुनवाई तो कल तक होगी। आज तो जो पहला मैटर चला हुआ था, पहले रिजल्ट से पहले जो केस लगा हुआ था उसकी हियरिंग थी ये। तो उसकी हियरिंग में रिजल्ट से पहले जो केस लगा था उसमें ये कहा गया था कि पेपर लीक हुआ है, इस मैटर में रीनीट होना चाहिए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि तुम्हारी जो इज्जत है वो तो खराब हो चुकी है, इसमें जो तुम्हारी एक साख थी वो तो खराब हो चुकी है, इसलिए हमारे को जवाब चाहिए इसके बारे में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपके ऊपर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। ये एनटीए को नोटिस जारी किया गया है और ये 8 जुलाई तक नोटिस के बारे में पूछा गया है उनसे, इसके बारे में पूछा गया है, 8 जुलाई तक रिप्लाई देना है। नेक्स्ट हियरिंग इस मैटर के बारे में 8 जुलाई को होगी। लेकिन जो मैटर है रिजल्ट का, रिजल्ट कैंसिलेशन का मैटर है, वो मैटर अभी सुना जाना बाकी है, उसके बारे में कल हियरिंग हो सकती है। ये तो पहले वाली मैटर की हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा है कि हम काउंसलिंग पर तो स्टे नहीं लगा सकते, तो अभी तक काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगा है। कल क्या होता है उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में, ये आपको जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।